Research published. For instance, they say there, uh, there could be the research which may be published by Kashyap Foundation, or there could be research which could be published by any other foundation which is doing services in an industry, in a charitable organization, and in another kind of services they are delivering. Then, in that case, a group name should be used when making a submission to the journal along with the description of who all qualifies as author of the group. तो ऐसी सिचुएशन के अंदर उस फाउंडेशन के नाम से उस पेपर को पब्लिश करने के लिए सबमिट किया जाता है और उसके साथ स्टेटमेंट दी जाती है कि कौन से लोग जो थे वो इस इसके ऑथर्स के तौर पर क्वालिफाई होते हैं देन कॉन्ट्रीब्यूशन यूजली हेल्प इन द एक्विजिशन ऑफ फंडिंग सुपरवाइजिंग रिसर्च ग्रुप्स प्रोवाइडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट असिस्टिंग इन एथिकल एंड टेक्निकल राइटिंग एडिटिंग प्रूफ रीडिंग एंड एक्सेट्रा सो so बेसिकली uh, जब हम रिसर्च uh, के ऑथरशिप क्रेडिट्स की बात करते हैं तो उसके अंदर ये सारे स्टेप्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं अगर एक इंडिविजुअल उसने शायद रिसर्च को डिज़ाइन नहीं किया लेकिन उसने उसको uh, जो है टेक्निकल राइटिंग में सपोर्ट किया है उसने उसकी एडिटिंग में सपोर्ट किया है उसके प्रूफ रीडिंग में सपोर्ट किया है तो वो भी उसके ऑथर के लिए क्वालिफाई हो सकता है देन दीज आर द फ्यू इंपॉर्टेंट इशूज इन ऑथरशिप दैट शुड बी इन माइंड वायल असाइनिंग द ऑथरशिप द फर्स्ट वन इज गेस्ट ऑथरशिप the author has not contributed to research or writing but his or her credentials can increase the credibility of published work bazukat uh, guest authorship mein is tarah ke logon ko apni research ka author banaya jata hai who are probably the authority in that area aur un uh, उन, उनके जो नाम के साथ उस एरिया में उस फील्ड में एक बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट एक बहुत ज़्यादा ऑनर जो है वो कंट्रीब्यूट किया जाता है तो उनको अपनी रिसर्च करने के बाद आ, उनके सामने प्रेजेंट की जाती है कि इफ़ दे अग्री टू तो गिव देयर स्कॉलरली इनपुट ऑन टू दैट तो, तो वो उसको देखते हैं और यानी वो ओरिजिनली उस रिसर्च का पार्ट नहीं होते लेकिन अगर उस रिसर्च को देखते हैं उसको एक्सेप्ट करते हैं और अग्री करते हैं एंड दे, दे सेट के ओके आप मेरा नाम यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं बट दैट इज़ बीग मैंशनड एज अ गेस्ट ऑथरशिप वो आपकी रेगुलर जो ऑथरशिप है उसका हिस्सा नहीं होते वो लग से मेंशन किया जाता है कि दिस पर्सन हैज बीन असाइंड एज अ गेस्ट ऑथरशिप फॉर दिस रिसर्च पेपर देन गिफ्ट ऑथरशिप द ऑथर्स मे हैव एन एसोसिएशन विद द द रिसर्च और बट डज नॉट एज द फोर क्राइटेरिया एज डिफाइंड बाय ई जिनकी मैंने अभी रिसेंटली बात की है कि वो चार क्राइटेरियाज अगर वो ऑथर पूरा नहीं कर रहा लेकिन वो उसकी एसोसिएशन है उस रिसर्च uh, के साथ या उसकी के साथ तो ऑथर्स अपनी मर्जी से उसको गिफ्ट ऑथरशिप दे सकते हैं वो भी जाहिर है कि कोई सीनियर्स होते हैं उन एरिया के जिनको गिफ्ट ऑथरशिप दी जाती है देन गोस्ट ऑथरशिप द ऑथर शुड हैव बीन एज द ऑथर अकॉर्डिंग टू द आईसी जी एम ए गाइडलाइंस बट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द लिस्ट एक इंडिविजुअल जो कि उस क्राइटेरिया को पूरा करता है लेकिन उसके जो पेयर्स हैं वो उसके साथ जस्टिस नहीं करते और वो उसको अपनी रिसर्च के कॉन्ट्रीब्यूशन में इंक्लूड नहीं करते वो रिसर्च का पार्ट होता है लेकिन जब रिसर्च पब्लिश होती है तो उसे पता चलता है कि उसका नाम उसके अंदर शामिल नहीं है

एक इंडिविजुअल रिज्यूम करता है कि मैंने बहुत ज्यादा काम किया आई मे बी द सेकेंड ऑथर और थर्ड ऑथर लेकिन जब उसका कोई पीयर रिसर्च को सबमिट कराता है तो वो ऑथरशिप के फिफ्थ या सेवन्थ नंबर पे चला जाता है और उसको एक उसकी वजह से एक ग्रीवियंस जो है वो डेवलप हो जाता है तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सी दैट दिस शुड बी विद द कंसेंसस ऑफ एवरीवन और ये डिस्कस करके फिर ऑथरशिप का जो क्रेडिट है वो डिसाइड किया जाना चाहिए और इसी तरह कोई ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एक ग्रुप रिसर्च वर्क थी जिसमें से अगर किसी का कॉन्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा कम लगा तो उसका नाम जो है वो इमिट कर दिया गया या एक्सक्लूड कर दिया गया तो इसकी वजह से रिसर्च की जो प्रैक्टिस है इसमें बहुत सारे इशूज़ सामने आते हैं और बाज़ा फिर वो जर्नल्स को राइट करते हैं और अपनी कंप्लेन करते हैं कि वी वर पार्ट ऑफ दैट रिसर्च और फिर वो किसी प्लेजरिज्म के केस में चली जाती है और वो रिसर्च नॉलेज होने की बजाय वेस्ट हो जाती है तो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल के वेन असाइनिंग द ऑथरशिप क्रेडिट अर्ली ही इस चीज को डिसाइड कर लिया जाए तो देट विल गिव अस अ ग्रेट फेबर और एक रिसर्च की जो पब्लिकेशन है उसको एक स्मूथ और अच्छे तरीके के साथ किया जा सकता है